हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। वेलकम टू फूडीज कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाना की खिचड़ी, जो कि बिल्कुल एकदम खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल भी ये है चिपकेंगे नहीं। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जिससे आपके साबूदाना अगर चिपके हुए बनते हैं तो वे अब से चिपक के बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले ही बनेंगे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है, साबूदाना जो बड़े वाले साबूदाना आते हैं, वन लक्ष्मी साबूदाना मैंने वो यूज़ किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले ट्रिक ये है कि साबूदाना को आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से 5 से 6 बार वॉश करना है, जब तक इसके जितने भी वाइट पाउडर टाइप से जो होते हैं ना वो अच्छे से वॉश हो जाए। ये जो हमारा पानी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, देखिए। तो इसे अब हमें 15 मिनट के लिए भीगे रहने देना है, उसके बाद हमें इसके पानी को छान देना है और इसे हमें रात भर रखना है। अगर आप रात भर नहीं रखने हैं तो दिन में 6 से 7 घंटा आपको इसे भिगा के रखिए। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से भीग गया, एकदम खिला खिला सा है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 गाजर लिया है, 1 आलू लिया है, 1 टोमेटो लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है यहाँ पे मैंने, ये कड़ी पत्ता है, और 1 ग्रीन चिली लिया है। आप व्रत वगैरह में भी बना सकते हैं या नाश्ते में आप जैसा चाहें वैसा ऐसे ही बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1/2 कप मूंगफली लिया है, उसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है बिना कुछ घी वगैरह डाले। अब वो रोस्ट हो चुका था तो मैंने उसे हटा लिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी डाला है, फिर उस पर हम जीरा डालेंगे। जीरा हल्का सा भून जाएगा तो इसमें हम अपना ग्रीन चिली डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम अपने आलू और गाजर दोनों को साथ में थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। अब ये हल्के से भून चुके हैं, मैंने यहाँ पे मूंगफली भी डाला है थोड़ा सा, जो हमने ड्राई रोस्ट किया था ना वो वाला। अब यहाँ पे हम अपना टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद भी इसे जो है टमाटर को अच्छे से भूनने देंगे, जब तक टमाटर अच्छे से गल जाए। तो देखिए मैंने मूंगफली को जो है अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके सारे छिलके निकाल लिए ठंडा करके, और फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके साबूदाना में इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। दूसरा ट्रिक्स ये है कि यहाँ पे जो आपको साबूदाना में मूंगफली को अगर आप मिक्स करेंगे ना तो इससे आपके साबूदाना बिल्कुल चिपकेंगे नहीं और इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। तो आप इसे इसी तरीके से बनाएं। अब उसके बाद हमारे टमाटर अच्छे से भून चुके हैं तो यहाँ पे हम अपना साबूदाना मूंगफली का जो है डाल देंगे। यहाँ पे आप सॉल्ट डाल दें टेस्ट अनुसार, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप सेंधा नमक डाल दें और उसके बाद आप इसे मिक्स कर लें। फिर लास्ट में आप इसे धनिया से डाल के इसे और मिक्स कर ले और गैस जो है यहाँ पे अब ऑफ कर दे। इसे बनाने में मिनिमम आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और ये देखिए बिल्कुल हमारा साबूदाना की खिचड़ी रेडी हो चुकी है, जो बिल्कुल भी चिपका नहीं है, एकदम अलग से खिला खिला सा बना है। तो आप इसे इसी तरीके से और कुछ टिप्स के साथ बनाएं तो बिल्कुल आपके साबूदाना इसी तरीके से बनेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।